मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय सोमेंद्र जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री मुस्तफा जी, डॉक्टर मीनू जी अध्यक्ष हैं, मंत्री क्षमा जी, स्वागत अध्यक्ष संजय जी, स्वागत मंत्री प्रमोद जी, सामने बैठे हमारे प्रेरणा स्रोत मनोज निखरा जी, विद्यार्थी परिषद के सभी यहाँ पे संगठन मंत्रीगण, उपस्थित शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति महानुभाव और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बंधु, मैं इस कैंपस में आया और यहां पर मंच पर अपने विद्यार्थी परिषद के मंचासीन कार्यकर्ताओं को सुना। मुझे एक शायर की दो पंक्तियां याद आई कि कौन कहता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, कौन कहता है कि इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी जोश जवानी एक बार लौट आए तो। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि वो शायद कभी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं रहा होगा और ना कभी विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष होगा, क्योंकि मैं जब यहां आया, भाषण सुना, देखा माहौल, तो मुझे 1974 की अपनी नौजवानी याद आ गई जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता लौट आई मेरी जवानी। इसलिए कह सकता हूं कि वह शायद विद्यार्थी परिषद का ना कार्यकर्ता रहा ना कभी एडमिशन में आया। मित्रों, मैंने अपने परिषद के सभी वक्ताओं को, क्योंकि कोई वर्तमान में कार्यकर्ता है, कोई पूर्व कार्यकर्ता है, सबको सुना और उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद क्या करता है, क्या बनाता है। आप सब उस दौर से चल रहे हैं जो आप अधिवेशन में आए हैं। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप अपना समय निकालकर इस अधिवेशन में पधारे हैं। आप सबका वंदन करता हूं, वंदन इसलिए कि राष्ट्र के इस महायज्ञ में अपने स्वजीवन के स्वर्णिम काल की के समय की आहुति देने आप पधारे हैं। आप सबको नमन करता हूं, नमन इसलिए कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को आपने यहां बुलाया और मेरी जोश जवानी लौटाई। मित्रों, अभी सोमेंद्र जी कह रहे थे कि वहां से यहां तक की यात्रा का नाम विद्यार्थी परिषद है, यही आशय था उनका। तो हम क्या थे, जिस तरह रास्ते के पत्थर का कोई वजूद नहीं होता, खाली कैनवास का कोई अर्थ नहीं होता, संतराज की बरसों की साधना जब छैनी हथौड़े के रूप में उस पत्थर पर चलती है और उसे मूर्त रूप देती है, तो या तो किसी मंदिर की मूर्ति बनता है या किसी ड्राइव की शोभा बनता है। जब चित्रकार की तूलिका है, मित्रों, छात्र संगठन बहुत है और बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, लेकिन परिषद का गठन क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या सोच के हुआ, क्योंकि एक विचार, एक संस्कार,
एक शाश्वत हमारे सिद्धांत वो जिंदा रह सके, आने वाली पीढ़ियों पर पहुंच सके, अपने गौरवशाली अतीत को, वर्तमान सवारे और भविष्य को सुधारे, ये दृष्टि सोचते हुए हमारे मातृ संगठन ने, हमारे वैचारिक संगठन ने छात्रों के बीच में ये विचार हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ है। कोई राजनीति करने के लिए नहीं, मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता, किसी शायर ने कहा है कि मैं रिंद हूं, मैं पियक्कड़ हूं, यानी मैं रिंद हूं इसलिए नहीं पीता, हर पैमाने पर तेरी सूरत नजर आती है, इन्हें उसे माशूका की सूरत और पैमाने पर नजर आती है, इसलिए होटल लगाता है। भारतीय जनता पार्टी अब विद्यार्थी परिषद के ऐसे विचारधारा के कार्यकर्ता को इससे समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा नजर आती है, इसलिए इस रास्ते पर चलता है। यह दिया है आपको संस्कार। मित्रों, ये यात्रा क्यों है? हम जब काम कर रहे थे विद्यार्थी परिषद में, तब दो एमपी और 12 एमएलए हुआ करते थे। कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम विधायक बनेंगे या मंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की सरकार आएगी, विचारों की स्थापना राजनीति के अंदर हो या छात्रों के अंदर हो, इसके लिए संघर्ष था। मुस्तफा जी ने ये संगठन राजनीति के लिए नहीं है, चाहे क्षमा जी ने भी कहा था, ये राजनीति के दल का संगठन नहीं है, राजनीति में पड़ता नहीं है, लेकिन राजनीति में खड़ा रहता है, हो सकता है। राजनीति की दिशा को तय करने वाला संगठन है। राजनीति देश की किधर जानी चाहिए, ऐसे विचारों के विचारकों का संगठन, कर्ताओं का संगठन, हम इसलिए इस संगठन की राजनीति करते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए संगठन है, और राष्ट्र, जब मैं राष्ट्र की बात करता हूं तो राष्ट्र का मतलब किसी भूगोल की सीमा से बंधा हुआ कोई राज्य नहीं, जीवंत पुरुष राष्ट्र है। हम सबका शाश्वत सिद्धांत राष्ट्र है, हम सबकी विचारधारा राष्ट्र है। तो उस राष्ट्र निर्माण के लिए अपना संगठन है, जो कि पिछले जो 900 साल की गुलामी रही इस देश में, तो वो कहीं द्रोहित होता गया विचार। कुछ राजनीतिक जो बिखरा हुआ भारत था, उस सब राजनीतिक गणराज्यों में बिखरा हुआ भारत, अपने अपने स्वार्थों में लड़ता हुआ भारत, उस समय का युवा वर्ग, वो राजनीतिक जो समय की सत्ता थी उनसे जुड़ा हुआ युवा, इसलिए भारत पराजित हुआ। 900 साल की गुलामी को झेला हमने। मित्रों, जब जब हिंदू विभाजित हुआ है, तब तब हिंदू पराजित हुआ है। जब जब इस देश में लूट पड़ी है, जब जब तब तब इस देश में लूट मची है, इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जब जब किसी विदेशी संस्कृति ने किसी देश पर राज किया है, तो संस्कृति मिट गई, समाप्त हो गई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं जमा, तो वो कुछ बात है, वो कौन सी बात है? उस कुछ बात को जिंदा रखते हैं तो हमारे विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व जिंदा रखता है, हमारे वैचारिक परिवार का नेतृत्व जिंदा रखता है। वो कुछ बात ऐसी है
और वो बात है हमारी संस्कृति, हमारा सिद्धांत, हमारा शाश्वत विचार, और उसे किस किन लोगों ने जिंदा रखा। इस देश में विभिन्न संस्कृति के आक्रमण हुए। अभी मैं नीदरलैंड गया था तो वहां मालूम पड़ा कि इन लोगों ने भी देश पर व्यापार किया और कुछ कॉलोनी बनाई थी कुछ उससे। फ्रांस में भी गया था, वहां पर भी मालूम पड़ा अंग्रेजों ने तो बनाई थी, मुगल आए थे। तो जिन लोगों ने इस देश पर अपनी अपनी संस्कृति लेकर आए लेकिन छा नहीं पाए, वो इसलिए क्योंकि यहां के मठाधीश, मठों के मठाधीश, यहां के सांस्कृतिक संगठन, यहां के धार्मिक स्थल, यहां के ऐसे संगठन जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, विद्यार्थी परिषद भी है और हमारे विचार महारक संगठन है, वह थे जो उनके संस्कृति को हमारी संस्कृति पर हावी नहीं होने दिया और आज तक जिंदा रखा है। आने वाली संस्कृति को, आने वाली संस्कृतियों को, नस्लों को सौंपने के लिए यह वैचारिक संगठन है। और जैसा मैंने कहा कि दो एमपी और 12 एमएलए वाली पार्टी का जो इसी विचारधारा की पार्टी